अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है और टॉपिक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखें, अभी 8 किलोवाट का हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर है, नाइट्रोक्स सीरीज़ का। आपको समझाना ये है कि 8 किलोवाट का आम तौर पे समझा ये जाता है कि जी 8 किलोवाट का अगर इन्वर्टर हमने लगा लिया ना, तो उस पर हम 8 किलोवाट ही लोड डाल सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। इस पे जो बैटरी बैंक अगर साथ अटैच किया जाए, तो देन जो बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती है ना, वो बीच में से माइनस हो जाती है। जैसे इसके साथ हमने ये पलायन टक की बैटरी लगाई है 48 वोल्ट। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये देखें, ये जो पार्ट है ना, ये लोड है, ये इस वक्त वापडा मौजूद है, ये सोलर नाइट का टाइम है, अभी 7:30 बज रहे हैं, तो सोलर नहीं है अवेलेबल। देन बैटरी चार्जिंग मोड पे है। होता क्या है कि जिस वक्त इस पे वापडा मौजूद है और बैटरी आपकी 100% चार्ज है, देन आप इसकी लोड के ऊपर आप 8 किलोवाट तक लोड डाल सकते हैं। लेकिन जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी या बैटरी ने चार्ज होना है, तो फिर क्या होगा कि बैटरी भी इसका जो है पावर कंज्यूम कर रही होती है। देखें, ये अब वापडा रिस्टोर हुई है, वापडा आ गई है, तो अब इधर देखें, 0 से 8, इनकी 8 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो ये 8 किलोवाट तक हम इसे आउट ले सकते हैं। ये आउट ले रहे हैं ना बेसिकली वापडा से। तो अभी 3.4 अपना टोटल जो इसे हम ले रहे हैं वापडा से, वो ये है, लेकिन 8 किलोवाट तक मैक्सिमम ले सकते हैं। तो अभी क्या है कि जो लोड को जा रहा है वो 1.339 किलोवाट जा रहा है, और जो बैटरी चार्जिंग है, क्योंकि 48 वोल्ट बैटरी और 50 एम्पेयर चार्जिंग है इसके, तो ये 1.89 किलोवाट बैटरी, राउंड फिगर अगर किया जाए तो 2 किलोवाट जो है बैटरी को चार्जिंग हो रही है। तो अब जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इस 8 किलोवाट इन्वर्टर पे अगर आपने साथ बैटरी अटैच की है, तो देन आप इस पे 6 किलोवाट लोड डाल सकते हैं। मैक्सिमम लोड की बात हो रही है, क्योंकि 2 किलोवाट तो आपका बैटरी चार्जिंग ले रहा है, और अगर यहाँ पे आपने 8 किलोवाट डाल दिया, 8 किलोवाट ये और 2 किलोवाट ये, तो ओवरऑल लोड कितना हो जाएगा, 10 किलोवाट। पीछे बैकअप जो है ये, इसने मैक्सिमम 8 किलोवाट पे जाना है, तो जब 2 किलोवाट एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो ये उस पे एरर मोड पे जाएगा और ट्रिप कर जाएगा। तो इसलिए जो है ये बड़ी समझने वाली बात होती है, बहुत बारीकी की बात है। और अगर आप इसको बैटरी साथ अटैच नहीं करते, इन्वर्टर इसमें ऑप्शन होता है विदाउट बैटरी भी आप चला सकते हैं, तो देन आप 8 किलोवाट पे, 8 किलोवाट मैक्सिमम लेवल पे लोड डाल सकते हैं। लेकिन वो जो मैक्सिमम 100% लोड होता है ना, वो फॉर टेस्टिंग पर्पज़ या 10 मिनट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डाला जाता है। अदरवाइज इसको रिकमेंड ये किया जाता है कि आप 80% पे इसको आप लोड डालें। जैसे जेनसेट हैं, जनरेटर होते हैं, या ये इन्वर्टर्स हैं, यूपीएस है, यूपीएस पे भी ये रिकमेंडेड होती है कि 70 to 80% आप उस पर लोड डालें। मीन कि अगर आपका 100 किलोवाट का एक सिस्टम है, या 100 किलोवाट का इन्वर्टर है, या जनरेटर है, तो आप उस पर 70 to 80, मीन कि 80%, मीन कि 70 किलोवाट या मैक्सिमम 80 किलोवाट उस पर आप अगर लोड चलाएंगे, तो देन उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, उसकी लाइफ भी आपको अच्छी मिलेगी। अगर आप 100% पे चलाएंगे, देन उसकी लाइफ जो है ना, बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आज के टॉपिक में मैंने मेजर जो आपको बात समझानी थी, वो यही थी कि लोग 90% यही समझते हैं कि हमने 8 किलोवाट का इन्वर्टर लगा लिया है, साथ बैटरी बैंक भी अटैच कर दिया है, तो इसके ऊपर 8 किलोवाट का 8 किलोवाट हम घर का लोड भी चला लें। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके अंदर जो बैटरी चार्जिंग पॉइंट है आपका, वो भी इंक्लूडेड होता है। ये देखें, ये इसमें शो भी हो रहा है कि 0 से 8 किलोवाट तक इसने मैक्सिमम जाना है, और ये जो लोड है आप ये 8 किलोवाट तक इधर ले सकते हैं। जब आप इधर भी 8 किलोवाट ले लेंगे, और ये बैलेंस हो जाएंगे, मीन के लोड 8 किलोवाट हो गया, इधर से भी 8 किलोवाट, ये बैलेंस होगा, तो बैटरी ने कहाँ से चार्ज होना है। जब बैटरी भी चार्जिंग मोड पे आएगी, तो वो लोड आपके जब यहाँ पे एक्स्ट्रा डलेगा, तो इसके अंदर जो सेफ्टी की चीज़ें लगी हुई हैं, वो इसको एरर मोड पर डालेंगे, या फिर ये ट्रिप कर जाएगा।